देखिए दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मल्टी लेवल वाटरफॉल है। एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल। तो देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा सीनरीज दिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो स्पॉट देख रहे हैं ये सारा बहुत ही खूबसूरत वैली होता है जब आसमान साफ हो। आसमान साफ हो चाहे ना हो, बट फॉग ना हो। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ जेनिथ वाटरफॉल। जेनिथ वाटरफॉल आता है खोपोली में, एंड एज यूजुअल जो लास्ट वीकेंड में गया था बेंडेवाड़ी वाटरफॉल। आपने अगर बेंडेवाड़ी वाटरफॉल का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ऊपर लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल वाटरफॉल और बहुत इजी ग्रेड का वाटरफॉल है। आप फैमिली के साथ, बड़े लोगों के साथ भी जा सकते हैं, बच्चों के साथ भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो बैक टू टुडेज ट्रिप, जेनिथ वाटरफॉल भी इजी ग्रेड ट्रेकिंग है ही नहीं अकॉर्डिंग टू द यूट्यूब वीडियोस, बट जो भी डिटेल्स है आज मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ फॉर अनदर सीनिक ड्राइव। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, आज हम लोग बाइक से निकले हैं। बारिश में मैंने डिसाइड किया था कि हम कार से ही जाएंगे, बट समहाउ बाइक का जो नशा है वो अपनी ओर खींच लेता है समहाउ। तो दोस्तों, अभी हम लोग टुवर्ड्स लोनावला ड्राइव कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ा फॉग है, थोड़ा क्लाउड है और मौसम बहुत रोमांटिक एंड सुहावना बना हुआ है। तो मौसम को देखते हुए दोस्तों, आगे बहुत खूबसूरत होने वाला है सीनरीज। तो दोस्तों, मिस नहीं कीजिए, एंड तक देखिए। मैं संदीप भाई और इनोज भाई के साथ जा रहा हूं। तो इट्स नॉट ए सोलो ट्रिप। तो आगे आगे मेरे जस्ट आगे जो आप ग्रीन में देख रहे हैं वो इनोज भाई हैं और सबसे आगे संदीप भाई। आपको मे भी हवा के प्रेशर के कारण हेलमेट के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि मुझे खुद को फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉइज है हवा के कारण। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ फॉर अनदर सीनिक ड्राइव। मैं सारे डिटेल्स शेयर करूँगा, वहाँ कैसे जाना चाहिए, फैमिली के लिए सुटेबल है या नहीं, नाश्ते के लिए कहाँ पे रुकें, एवरी डिटेल्स। If you like my vlog, then please share and subscribe my channel ASP_vlog007। मेरे चैनल को आप द फनी वंडरर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फेमस स्पॉट आ गया है, मतलब ऐसा फेमस नहीं है, बट यहाँ पे मैंने बहुत सारे रील बनाए हैं तो इस कारण से ये फेमस है। ये इनोज भाई रुके मेरे लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना फॉग है। ये लोनावला है, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। यहाँ पे मुझे हेडलाइट एक्सिलरी हेडलाइट ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि
आप जैसा दोस्तों देख पा रहे हैं फॉग में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो गाड़ी स्लो ही चलाना है। एक्चुअली ऐसे वक्त के लिए आपके पास येलो फिल्टर होना चाहिए। येलो फिल्टर, येलो लाइट जो होता है वो ऐसे फॉग में दूर से दिख जाता है, वो बना ही मतलब ऐसा होता है कि वो आपको देखिए येलो लाइट आपको इजीली दिखता है, लेकिन जो आपका व्हाइट लाइट होता है वो इतना इजीली नहीं दिखता। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ठंड का मौसम आ गया है, ठंड नहीं लग रही बट फॉग ऑसम। विजिबिलिटी इज अराउंड 15 to 20 meters। वेरी ऑसम एक्सपीरियंस दोस्तों। ये वो स्पॉट आ गया है जहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड में एक्चुअली एक वैली है, बट अभी कुछ दिखेगा ही नहीं। ये मैंने एक व्लॉग में ऑलरेडी कवर किया है, लुनावला वाले व्लॉग में, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक। आप ये वैली को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वैली है ये। तो दोस्तों ये जो स्पॉट देख रहे हैं ये सारा बहुत ही खूबसूरत वैली होता है जब आसमान साफ हो। आसमान साफ हो चाहे ना हो बट फॉग ना हो, फॉग के कारण पूरा जो विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, सो वैली में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत वैली है दोस्तों, ये मैं लोकेशन टैग कर दूंगा आपको, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और मोस्ट अभी आपको पता ही होगा ये लोकेशन, ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे ही लगता है जब आप मुंबई टू पुणे या पुणे टू मुंबई जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है ड्यू टू फॉग, एक्सट्रीम फॉग। जबकि ये जो रोड है, ये जो वैली है, यहाँ पे बहुत शानदार दिखता है। यहाँ से नीचे से एक्सप्रेसवे दिखता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में खूबसूरत वैली, और ड्यू टू फॉग नथिंग इज़ विजिबल। सो दोस्तों हम अपना सफ़र चालू जारी रखते हैं। तो दोस्तों ये खोपोली की तरफ ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, और देखिए मौसम कितना सुहावना बना हुआ है। लोनावला में तो बहुत ज़्यादा फॉग था, एक्सट्रीम फॉग, मतलब 15-20 मीटर के आगे देख ही नहीं रहा था बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्लियर हो गया जैसे ही हम लोग ये खोपोली साइड में आए। एंड थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो मौसम भी ठंडा है, एंड बहुत ही रोमांटिक मौसम बाइक ड्राइव के लिए, ऑसम। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत घाट व्यू पॉइंट है, इसको घाट व्यू पॉइंट बोलते हैं। इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, एकदम शानदार। ये खोपोली में आता है दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, मैं ऐसे ही और भी सीनरीज दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये घाट व्यू पॉइंट के पास में ही हार्डली आई थिंक 40-50 मीटर्स नीचे उतरा रहूँगा, तो ये एक व्यू मेरा। देखिए दोस्तों ये वाटरफॉल व्यू है कितना शानदार। तो दोस्तों जस्ट आप गूगल मैप फॉलो कीजिए, ये हमने ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से एक लोकेशन पे राइट लिया है। ये एक कमान था, कमान जो बोलते हैं वो रोड पे जो एक गेट जैसा बना होता है उसको कमान बोलते हैं मराठी में, उसके अंदर से हमने राइट लिया, एंड वी आर फॉलोइंग जस्ट गूगल मैप।
तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट आपको कैसा लगा, आप शेयर भी कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlogs007। देखिए दोस्तों क्या शानदार, ये वाटरफॉल का ही पानी है जो बहते हुए आ रहा है। सामने देखिए बड़ा माउंटेन, अभी फॉग के कारण आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट दोस्तों आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ फॉर जेनिथ वाटरफॉल। तो दोस्तों ये आप जब आएंगे गूगल मैप, तो गूगल मैप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और सामने जो आप देख रहे हैं कृष्णा वैली एक प्रोजेक्ट, ये बड़ा सा गेट है। तो यहाँ पे एक लोकल में भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से सीधा जाओ, तो अभी हम लोग दोस्तों सीधा जा रहे हैं। तो मैप यहीं तक दिखाता है आपको गूगल मैप। तो अभी से मैं वीडियो कंटिन्यू चालू रखूँगा सो दैट आप रास्ता मिस ना करें। यहाँ से थोड़ा रास्ता ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो आप अगर SUV से आते हैं तो नहीं आ पाएंगे, टू व्हीलर से स्टिल फाइन। ये जंगल में आ जाता है रास्ता, तो दोस्तों आप कार से तो नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, मतलब रोड हैचबैक के हिसाब से ठीक है, आप आ सकते हैं। थोड़ा पथरीला रोड है, कच्चा रोड है, तो छोटे कार से तो आप आ सकते हैं। हाई सेट, ये देखिए यहाँ पे एक कार लगी भी हुई है, नेक्सॉन। तो दोस्तों हम लोग अभी आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टू व्हीलर है, तो वी कैन मैनेज। यहीं पार्क करना है क्या? सो दोस्तों ये लोकेशन मैं टैग कर दूंगा, आप ये लोकेशन को फॉलो करके आ सकते हैं, बट ये आई डाउट ये गूगल मैप में दिखाएगा, बिकॉज मैप में तो रास्ता वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा सीनरीज दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक वीडियो शूट किया है, रील बनाऊंगा उसके ऊपर। क्या शानदार लोकेशन है दोस्तों, देखिए यहाँ का लोकेशन मैं टैग कर दूंगा आपको, आप फॉलो करके आ सकते हैं। सो दोस्तों ये यहाँ पे एक ये मंदिर है, यहाँ आपको मैं दिखाया था वीडियो में जो कार लगी थी वही वो लोकेशन है। और यहाँ से हम लोग लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आप पैदल पैदल जा सकते हैं। तो हम लोग अभी दोस्तों चल रहे हैं, देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, वाटरफॉल व्यू।
तो लोकल लोगों ने बताया कि अगर आपको वाटरफॉल तक जाना है तो दो वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करना पड़ेगा, नी लेवल पानी रहेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं क्या करना है, सो लेट्स सी। ये एक मंदिर है दोस्तों, तो वहाँ हम लोग मंदिर तो नहीं आए थे, वाटरफॉल आए थे। मंदिर तो जस्ट कोइंसिडेंट यहाँ पे है। ये शानदार लोकेशन है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ वाटरफॉल का व्यू। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये वाटरफॉल सामने, तो वहाँ से लोग जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों हम लोग जा पाते हैं या नहीं, बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मल्टी लेवल वाटरफॉल है, एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल। तो दोस्तों वाटरफॉल के नीचे तक तो हम नहीं जा रहे हैं आज, बिकॉज नी लेवल तक पानी है और हम लोग उस परमिशन से नहीं आए थे कि वाटर क्रॉसिंग करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था कि फैमिली के साथ आ सकते हैं, तो ये थोड़ा हार्ड ग्रेड का है, आप इजली चल के नहीं जा सकते वहाँ तक। तो देयर इज़ अ फीडबैक, जो बच्चों को लेके नहीं आई है यहाँ पे, बट बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है दोस्तों। तो दोस्तों ये था जेनिथ वाटरफॉल। वाटरफॉल तक हम नहीं जा पाए ड्यू टू हमारा, हम प्रिपेयर होके नहीं आए थे यहाँ। हमको लगा कि वॉकिंग बेंडेवाड़ी जैसा रहेगा, बट दो वाटर क्रॉसिंग आता है यहाँ पे, इसके लिए दोस्तों आज कवर नहीं कर पाइए। बट इट वाज ऑसम लोकेशन। यहाँ पे एक मंदिर भी है छोटा सा, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों, वाटरफॉल व्यू का मज़ा ले सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो में कवर किया है आगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये व्लॉग, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अभी हम लोग दोस्तों यहाँ से वापस जाएंगे, एंड रास्ते में अगर बारिश रुकी रही, अभी तो रुकी हुई है बारिश रुकी रही है, एंड सीनरीज अच्छे रहे तो वहाँ पर कैप्चर करूँगा और आपको ऑब्वियसली आपके लिए कैप्चर करूँगा, आपको दिखाऊँगा मैं। तो बने रहिए दोस्तों, फॉर नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlogs007। मेरे चैनल को आप द फनी वंडर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये लोकेशन मैं टैग कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने पार्क किया है, यहाँ तक कार आ सकती है इजीली, छोटे कार्स आई मीन टू से। सो दोस्तों ये था जेनिथ वाटरफॉल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlogs007। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।